दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए खुशखबरी है कि 1000 SI राजस्थान में और 11000 कांस्टेबलों की भर्ती आ चुकी है। आपको लंबे समय से इंतजार था इस बात का और ये भर्ती आ चुकी है। और दैनिक भास्कर में ये न्यूज भी छप चुकी है, कल घोषणा हुई थी, उसमें CM गहलोत ने ये घोषणा की। और आज 6 मार्च 2019 को ये न्यूज जो दैनिक भास्कर है उसमें छप चुकी है। और इसमें अप्लाई डेट और सब कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों। पहले इसको न्यूज़ को पूरा पढ़ लेते हैं जल्दी से। और इसमें कई घोषणा भी की गई। देखिए, जयपुर सरकार ने पुलिस में 1000 SI व 11000 कांस्टेबलों की भर्ती करने का निर्णय किया है। इसके अलावा युवा संबल योजना में पंजीकृत 40,000 युवाओं को 2 साल तक ग्राम स्तर पर रक्षक का कार्य दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक युवा को 4,000 रुपये भत्ता देंगे। तो ये और साथ में ये युवाओं की घोषणा की है जिसमें 40,000 उम्मीदवारों को रखा गया है। और अब बता दूं दोस्तों कि पीछे वसुंधरा सरकार द्वारा भर्ती निकाली गई थी और 1 महीने से पहले ही फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, परंतु कुछ गड़बड़ियों के कारण वो भर्ती लेट हुई थी। और इसके फॉर्म हैं जो मार्च के अंत में स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, और लगभग अप्रैल के लास्ट तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। और गृह मंत्रालय को ये विज्ञप्तियां सौंप दी गई है सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय को। और जो ये गृह विभाग की बैठक थी और इसमें ये सौंप दी गई है। और 26,000 शिक्षकों का रास्ता साफ हो गया और 11,000 कांस्टेबलों की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। पीछे 13,000 भर्ती की गई थी और उसमें कुछ गड़बड़ियां होके मतलब वो भर्ती सही ढंग से नहीं हो पाई और पद खाली 13,000 पद खाली थे। हमने आपको पहले बताया था 13,000 पद खाली थे और 11,000 पदों पर निकली है। तो आप दोस्तों तैयारी में जुट जाइए राजस्थान पुलिस की। और इसमें योग्यता है कांस्टेबल के लिए 10वीं पास योग्यता है। और कुछ इसमें पद है उनके लिए 8वीं पास योग्यता है, ठीक है। और एसआई के लिए ग्रेजुएशन या और जो 11,000 कांस्टेबल है उनके लिए 10वीं पास और कुछ पदों के लिए 8वीं पास, ठीक है दोस्तों। और मार्च के अंत में फार्म स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों और अप्रैल तक भरे जाएंगे, अप्रैल के लास्ट तक। और जैसे ही इसकी और न्यूज आती है तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले बताएंगे और आप तैयारी में जल्दी से जुट जाइए। और पिछले भर्ती में भी कई अभ्यर्थी बहुत फेल हो गए थे और इस कारण की इसमें बहुत गड़बड़ियां सामने आई थी। एंसर की भी सही नहीं आई थी, ABCDE पता नहीं ऐसे करके बना दिया गया था। और अब की बार आप सतर्क रहें, ध्यान रखें और जैसे ही कोई और सूचना की बताएंगे। और स्टडी टाइम्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऑफिशियल राजस्थान की ऑफिशियल न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।